की अयोध्या को लेकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की धमकी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें आतंकी संगठन ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस वायरल ऑडियो की इंडिया न्यूज पुष्टि हालांकि नहीं करता है, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा सजग कर दी गई है। धमकी भरे ऑडियो की अभी जांच की जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर पर कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती। आपको एक बार सुनवाते हैं वो ऑडियो जो कि वायरल हो रहा है। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से दी गई है। और एक जानकारी के मुताबिक एक ऑडियो वायरल किया गया जिसमें राम मंदिर को उड़ाने की बात कही गई है। उसके बाद से राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के अलावा राम मंदिर से सटे हुए राम मंदिर का जो तमाम जो एरिया है जिसमें पार्किंग है, इसके अलावा जो राम मंदिर में एंट्री पॉइंट है, इसके अलावा जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो बाकी जो पीछे का पूरा पोर्शन है, इसके अलावा राम मंदिर के अलावा अयोध्या के जो और महत्वपूर्ण जगह हैं उनको जो है खासतौर से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कि अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो CISF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के अधीन है और इसके अलावा CISF की जो इंटेलिजेंस विंग है वो एयरपोर्ट पर तैनात रहती है। लेकिन सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी मिली है उसको लेकर पूरी तरीके से अयोध्या को अलर्ट पर रखा गया है। जो वहां के सीनियर अधिकारी उन्होंने खुद मौके का जायजा लिया है। मौके का जायजा लेने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी को अलग अलग जोन में बदल दिया है। जो नीचे के अधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं वो वहां पर जोन वाइज पूरी तरीके से सिक्योरिटी पर अपनी नज़र रखेंगे। हालांकि राम मंदिर के निर्माण के से पहले ही जिस तरीके के आतंकी संगठन जो है प्रतिबंधित, अगर हम खालिस्तान की बात करें या फिर IS की बात करें, ये पूरी तरीके से एक बार फिर से एक्टिव हो गया था और कहीं ना कहीं राम मंदिर को पहले से भी जो आतंकी थ्रेट मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के आतंक जो धमकी के बाद से अयोध्या पूरी तरीके से अलर्ट पे है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त फिलहाल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि CISF, CRPF और इसके अलावा SSF और उत्तर प्रदेश की PAC के जो जिम्मे है अयोध्या की सुरक्षा, और साथ ही टेरर मॉड्यूल को देखते हुए या किसी और मामले को देखते हुए UPSTF और ATS भी इसकी सुरक्षा में लगी हुई है। और हाल ही में जिस तरीके से अगर हम बात करें गुरुवार के की, तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि गृह मंत्रालय की तरफ से अब जो अयोध्या में रीजनल हब बनने वाला NSG को लेकर यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर, तो इससे अयोध्या की सुरक्षा और चाक चौबंद हो जाएगी। और ये एक रीजनल हब बनने वाला है, लेकिन उसके बाद ही जिस तरीके से रीजनल हब की बात आ रही थी कि NSG का भी एक कैंप होगा वहाँ पे अयोध्या में, और उसके बाद शुक्रवार को इस तरह की खबर की आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी दिया है। एक ऑडियो आया है सामने जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, तो उसको लेकर एक बार फिर से एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और 24 आवर्स जो है अब इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। साथ ही जो हालांकि वहाँ के SSP ने बताया कि सुरक्षा पहले से कड़ी है, लेकिन जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद की जो धमकी मिली है उसको देखते हुए और भी अयोध्या और राम मंदिर को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और एयरपोर्ट पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दी गई है और जोन वाइज सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा जो वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और जो देश की खुफिया एजेंसी है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई, क्योंकि हर दिन जो राम मंदिर जो है वहां पर दर्शन करने 1.5 लाख से ज्यादा की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, वहां पर लोग आते हैं, देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। ऐसे में अयोध्या शहर, अयोध्या की भीड़ भाड़ वाली जगह और राम मंदिर सुरक्षा के नजर से बहुत मायने रखती है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अयोध्या में सुरक्षा कड़ी की गई है, अयोध्या पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। आपको सुनवाते हैं SSP राजकरण अय्यर की ओर से क्या कहा गया। यदि अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे
क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्र अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई है जिनको लगाकर के सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से देखा जाता है, जिससे जो भी हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे जो भी लोग लगे हुए हैं उनको तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसपे आगे कार्रवाई